देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कॉटन ली है, ये पूजा वाली कॉटन है, और दूध लिया है। तो अब हम बत्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन लेंगे और दूध में उंगलियों को गीला करते हुए हम इसे हल्का सा खींचेंगे और बाहर की तरफ मोड़ लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमें ऐसा ही करना है। अब हम बीच में फिंगर रखते हुए इन दोनों को पकड़ लेंगे और जो हमारे साइड में स्पेस दिखेगा, आप देख सकते हैं, देखें जो स्पेस है इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे और बाहर की तरफ करते हुए अंदर की तरफ घुमाएंगे। नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे। देखें, हमारी बत्ती जो है वो बन के रेडी हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। कॉटन का एक पीस ले लें, जितनी भी बड़ी आपको बत्ती बनानी हो उतनी बड़ी कॉटन ले लें। एक तरफ से हल्का सा खींचते हुए घुमाएं, उंगलियों में दूध लगाएं और दूसरी तरफ से भी ऐसे कर लें। बीच में फिंगर रखें, दोनों को पकड़ लें और साइड का जो भी हमारा स्पेस है उसे भी हम इस तरह से पकड़ लें कि सारा हमारी फिंगर और थंब के बीच में आ जाए। तो और बाहर की तरफ हल्का सा घुमाते हुए हम इन्हें अंदर की तरफ घुमा देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। देखें, इस तरह से मैं और भी बत्तियां बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो बत्तियां हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। तो अब मैं इन्हें घी में भिगो के और फिर आपको जला के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इन बत्तियों को घी में भिगो लिया है और अब मैं इन्हें जला के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक बार घी में डुबोकर जलाई हुई ये ज्योत लगभग 15 से 20 मिनट तक आराम से जलती रहेगी और उसके बाद आपको जितनी भी देर तक इसे जलाना है उस हिसाब से आप इसमें घी ऐड करते रहें।